हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूएफ रिएक्शन। दिस इज उसामा, दिस इज मारिया। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक दफा फिर से एक मजेदार किस्म की वीडियो लेके आपके सामने हम दोनों हाजिर हो चुके हैं। सो गाइस, काफी ज्यादा मैं सर्च वगैरह कर रहा था तो उसमें मुझे एक मूवी का टीजर मिला, तो मुझे काफी अच्छा लगा उसका नाम, तो मैंने कहा क्यों ना यार इस पे भी एक रिएक्ट किया जाए और मजा आएगा। तो मारिया बताओ, किस पे आज हम मूवी का टीजर पे रिएक्ट करने के लिए जा रहे हैं? मूवी का जो टीजर का नाम है ना, वो है हैप्पी बर्थडे। हाँ, काफी यूनिक सा नाम है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को विश किया जा रहा है। विश कर रहे हैं। ये तो अब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यार इस मूवी का बेसिक नाम हैप्पी बर्थडे क्यों रखा गया है। तो वैसे आपको बताते चले कि इसके अंदर लवनिया त्रिपाठी इसके अंदर है, तो अब देखना, ये मैं इनको जानता तो इतना नहीं हूँ, लेकिन ये कि देखने के बाद पता चलेगा कि क्या स्टोरी है, क्योंकि आप हमें इसके बारे में बताएंगे कि ये कौन है और ये कैसा टीजर होने वाला है। तो पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे और वक्त पे मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, हैवी गो। आयु दादा चट्टमंटे ఏంటి చూయొదానా ఇంటెంట్ కే గన్నా ఎదర్లేని ఫన్నా मिराठी में है तो हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन कोशिश मंत्री दीपक सोदी प्रतिपादించిన ఆయుధాల సవరణ చట్టం ఆమోదించబడింది। సప్లై కాంట్రాక్ట్ బోరిస్ నికోలై దేశం నలుమూలల అంబరాన్నంటిన సంబరం, గల్లీ గల్లీకి ఏర్పడిన గన్ బజార్। There is nothing happy about the birthday. Birthday. No gun, no entry. అసలు మీకు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? నాకు ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందని అడిగే బదులు మీకెందుకు రాలేదని సిగ్గుపడండి। जी तो गाइज, ये था छोटा सा टीजर, तो हमने कहा क्यों ना यार इसको भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो काफी जबरदस्त था और थोड़ा एक्शन से भरपूर लग रहा था हमें तो, लेकिन उसके ऊपर दिखाया ये गया नो गन नो एंट्री। आई थिंक ये पता नहीं किसी पार्टी के अंदर ही सब सीन होने वाला है। और सामने जो इसके अंदर म्यूजिक दिया हुआ है हैप्पी बर्थडे का, हाँ, उसकी जो ट्यून थी ना वो बिल्कुल वैसे दिया गया हैप्पी बर्थडे विश करने वाली, लेकिन बेसिक समझ नहीं आ सके कि यार इसका नाम हैप्पी बर्थडे क्यों रखा गया। ये तो अब आप हमें बताइएगा कि इसका नाम हैप्पी बर्थडे क्यों रखा गया होगा और क्या इसमें बताया गया इस बारे में। लेकिन एंड पे वो ये कह के जाते हैं कि मैं गन बिल पास करवा के रहूंगा। तो आई थिंक ये है कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो 15 जुलाई को ये मूवी आ रही है, तो अब काफी ज्यादा लोगों को वेट होगा इस चीज का कि यार फटाफट से मूवी आए और उसको देखें और एंजॉय करें। तो हमें तो काफी अच्छी लगी है, छोटा सा टीजर अच्छा, था। अब टीजर के अलावा इसके बाद यानी कि इसका ट्रेलर भी आएगा। हां, ट्रेलर भी लाजमी आएगा, रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल लाजमी करेंगे। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी ये काफी दिन पड़े हुए, एक महीने से कुछ ज्यादा ही पड़ा हुआ है, तो अभी ये ट्रेलर आएगा उस पर भी इंशाल्लाह जरूर रिएक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ट्रेलर पे भी लाजमी रिएक्ट करेंगे। तो गाइस, वैसे मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैंने अभी देखा तो बाद में मुझे पता चला कि लवनिया त्रिपाठी इसके अंदर है। तो रितेश राणा, आई थिंक उनकी शायद ये मूवी है, उन्होंने शायद ये बनाई है। अभी आप हमें बताइएगा कि क्या मैंने सही कहा कि नहीं कहा, लेकिन ये था कि मुझे एक मैसेज आया था, एक मुझे मैंने सोचा था कि पता नहीं शायद वैसे ही मुझे बताया गया, लेकिन जब मैंने बाद में सर्च किया और मैंने बाद में देखा कि मैंने कहा हाँ यार ये हैप्पी बर्थडे के बारे में बताया गया, तो क्यों ना यार इस पर कर ही लेते हैं। तो गाइस, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को भी लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।